सबसे बड़ी खबर जापान से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। आज सुबह उन पर जापान के शहर नारा में गोलियां चला दी गई थी। हमलावर ने उन पर पीछे से दो गोलियां चलाई थी उस वक्त जब वो संबोधित कर रहे थे, जनता के बीच थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के साथ तस्वीर साझा की। ये तस्वीर देखिए, जब भारतीय प्रधानमंत्री और शिंजो आबे की मुलाकात हुई थी और गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यही तस्वीर अभी साझा की है, शेयर की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे के साथ ये तस्वीर साझा की। भावुक पल सबके लिए, क्योंकि व्यक्तिगत अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए भी एक झटका है, क्योंकि शिंजो आबे भारत के साथ हमेशा डटकर मजबूती के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे हैं। मुद्दा चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत का साथ नहीं छोड़ा। और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जैसे ही खबर मिली कि उन पर हमलावर ने गोलियां दाग दी हैं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दुनिया भर से दुआओं का दौर जारी था, प्रार्थना की जा रही थी, लेकिन वो दुआ काम नहीं आई। आखिरकार डॉक्टर्स ने शिंजो आबे को मृत घोषित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने फिर से ट्वीट किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है, और पीएम मोदी ने शिंजो आबे के साथ ये तस्वीर भी साझा की है। हाल ही में मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ थे, हाल में मुलाकात के साथ यही तस्वीरें पीएम ने साझा की है।